वालेकुम, मेरा नाम अथर और जो आज हम मौजूद हैं लालू खेत 10 नंबर संडे मार्केट, लालू खेत 10 नंबर कराची की ये मार्केट है। हर संडे ये मार्केट लगती है और आज हम वीडियो कैप्चर करते हैं, देखते हैं कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या बिक रही हैं और डिमांड किस चीज़ की है और जाल वाले जो हैं वो किस चीज़ के रेट जो हैं वो बेहतर हुए हैं। इन सब चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। हमेशा की तरह हम लास्ट में आपको बताएंगे कि मार्केट के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की थी और जाल वाले जो हैं वो कौन से बर्ड्स की जो है वो परचेजिंग कर रहे थे। और जाल से ही होता है कि अगर जाल के रेट जिस बर्ड्स के ज़्यादा होते हैं तो मार्केट में भी उस बर्ड्स के रेट थोड़े बेहतर होते हैं। और मार्केट में सबसे ज़्यादा बर्ड्स कौन से आए हुए हैं, हम सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी हर वीडियो देख सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें, कमेंट्स करें। दोस्त क्या लेके आए हैं आज? मैं वायलेट लेके आया हूँ। और मूव है? और मूव और स्प्रेड है, एक दाना है। अच्छा, एक क्या रेट बोल रहे हैं इसके? मैं तो 4 सुबह मांग रहा था, अब मार्केट नहीं है। एक दाना मैंने 1200 में दिया, एक 1550 में दिया है। मैं लेके जो ना 6000 रुपये का जोड़ा लेके गया था। 6000 का लेके गए थे लेके, और मार्केट बहुत गिरी हुई है। मार्केट जो है बिल्कुल रेट खत्म हो गए हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। बहुत तो बेच क्यों रहे हो, रखे हुए क्यों नहीं? अभी जमा हुए हैं। अच्छा, मतलब ये पट्टे हैं आपके लिए? ना पट्टे, हाँ जमा है। ये कितने महीने के? ये 6 महीने के। कोई 6 महीने के, कोई साल के मिक्स है, मतलब 6 महीने के और साल के। ठीक है दोस्त, शुक्रिया यार आपका। दोस्त ये सारे बड़े प्यार हैं? सब बड़े प्यार हैं। ब्रीडर हैं या? ब्रीडर प्यार हैं सारे। ब्रीडर प्यार हैं तो क्या मतलब खत्म कर रहे हैं आप? खत्म कर दिए, नहीं और पड़ा है माल तो अभी। क्या रेट क्या बोल रहे हैं पियर? 600 रुपये बोल रहे हैं पियर के। 600 रुपये पर पियर। सारे रेडाइज हैं, येलो रेडाइज में? कुछ दाने हैं वाइट में, बकाया सारे सब रेडाइज, येलो रेडाइज में। और पट्टे भी हैं क्या आपके पास? ये पट्टे 2-3 दानों में खाली बस। ये क्या है? सब बड़े हैं ये भी बड़े हैं, थोड़े से अलग रखे हुए हैं। हाँ, केज में जगह नहीं है तो आपने थोड़े से अलग कर दिए। मुनासिब प्राइस हैं आपके जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है यार, मतलब मार्केट के हिसाब से बेहतर प्राइस हैं तो क्या बोलेंगे आप, और क्या कम करेंगे? बोलते ही अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि 600 रुपये ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। और माशाल्लाह से पीस जो हैं वो अच्छे साफ़ हैं, कुछ पीस हैं थोड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं लेकिन ओवरऑल जो है वो माल साफ़ है। कुछ इसमें ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ब्रीड के लिए रेडी हैं और कुछ जो हैं ब्रीडर भी हैं। मिक्स माल है, देख के लेना पड़ेगा इसमें से। ओके यार, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लेके आए हैं आज? बजरी। बजरी माशाल्लाह से पाइट में खूबसूरत पेयरिंग करी हुई आपने जी। क्या रेट बोले दोस्त इसके? 650 मांग रहे हैं, 600 फाइनल है। 650 रुपये आपने सिर्फ कलरिंग अच्छी करी हुई है जैसे, और साफ सुथरे माशाल्लाह साफ सुथरे दाने हैं, आपके रेट थोड़े ज़्यादा हैं। ओवरऑल ये बर्ड भी अच्छे हैं जैसे ये दिखने में साफ सुथरे बर्ड्स हैं, इंशाल्लाह ये ब्रीड कर देंगे। बर्ड्स की लोकेशन जो लुक जो है वो बता देती है कि किस तरह का बर्ड्स है, साफ सुथरे बर्ड्स हैं। प्राइस थोड़े से आपके मार्केट के हवाले से थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन चीज़ की वजह से थोड़े से रेट ज़्यादा है। चीज़ अच्छी है माशाल्लाह से, जैसे कि मैं कहता हूँ कि चीज़ अच्छी लें, एक दफ़ा लें साफ चीज़ लें। 600 रुपये आप फाइनल कर देंगे इस पेयर के? ओके बॉस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? और सर जी क्या हाल है? अल्लाह का करम, मज़े में। क्या लाए हैं आज? ये ऑरेंज ब्रेस्टेड के कुछ पेयर हैं जो लेके आया हूँ मैं मार्केट बेचने के लिए। ऑरेंज ब्रेस्ट कौन से? ये इसमें देख रहे हैं मुख्तलिफ मोटिशन है, इसमें आइसाबेल भी है और आइसाबेल जी, और ये इसमें जो है फ्लोरिडा फैंसी भी है, ऑरेंज ब्रेस्टेड भी है, आज जेब्रा फिंच है, ब्लैक चेक है, वाइट चेक है। यहाँ से स्टार्ट कॉमन की कौन सी है, उसके प्राइस क्या है? ये 2500 रुपये का पेयर है, इसमें जो मेल है वो क्रिस्टेड का है, ब्लैक ब्रेस्टेड केसेट का, और फीमेल जो है वो कॉमन में है ऑरेंज ब्रेस्टेड की, ओ बी की भी। ये फेस ब्रेस्टेड का पेयर है, दोनों ब्राउन कलर में है, फॉन कलर में, मेल और फीमेल। ये फ्लोरिडा क्रिस्टेड का पेयर है जिसमें मेल जो है वो क्रिस्टेड का है, ये ऑरेंज ब्रेस्टेड का। प्राइस इसे क्या? ये सब जो है वो 2500-2500 रुपये के पेयर है। इसमें ये आखिरी वाला जो पेयर था वो मैंने दिखाया था आपको 3000 का है, वो भी 2500 का। ये कौन सा? ये अंडर साइज है, कॉमन फिंच में बड़े साइज़ की फिंच है, ये मतलब अच्छे साइज, ये कॉमन फिंच है, वाइट कलर, वाइट चेक का पेयर है। वाइट चेक फीमेल तो नहीं है जी? वाइट चेक जो ये फीमेल है, ये कॉमन है, मोटे रॉड वाली कहलाती है,
इसका आंसू जो है ना लकीर मोटी होती है आंखों की, लाइन जो है इसकी आई लाइन जो है ये वाइट चिक में ही निकलती है ये। ठीक है, ये कॉमन ज़ेब्रा फिंच का पेयर। अच्छा, कॉमन क्या रेट चल है? कॉमन 550-600 रुपए रेट है इस वक्त। और वाइट चिक और ब्लैक चिक के रेट क्या चल रहे हैं? वाइट चिक ब्लैक चिक के रेट जो है वो 1000 है, 1200 है, चिक पे डिपेंड करता है। लेकिन चिक दोनों की जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि इस मादी की ऐसी नहीं हो, तो जिस तरह मेल की है सेम फीमेल की भी ऐसी हो तो बेहतर होते हैं, पियरिंग सही बनती है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। जब ये चीज़ आप परचेस कर रहे हो तो देख के परचेस करें, जैसे कि इस तरह का चिक है मेल का, तो फीमेल का भी चिक जो है वो गाल जो है वो सेम ऐसी होनी चाहिए जैसे मेल के, तो फिर रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। होता है ये कि मादियाँ जो हैं वो ब्लैक चेक और वाइट चेक में बहुत कम मार्केट के अंदर हैं, मेल बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लैक चेक में वैसे भी ये खासियत है कि चेक के अंदर मेल ज़्यादा होते हैं, फिनिशिंग में मेल बहुत ज़्यादा होते हैं। जी मेल ज़्यादा होते हैं इसमें, नर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और फीमेल कम होती है, मादें बहुत ज़्यादा कम होती हैं, बहुत ज़्यादा ही कम होती हैं, पेयरिंग करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी। कभी कभार ऐसा होता, अभी ये आपने पेयरिंग करी है सारी, ये कोई अच्छी जो है मादा नहीं लगी। बाद अवकात ऐसा होता है कि वो पेयरिंग जो है ना वो क्रॉस ब्रीड में करवानी पड़ती है क्योंकि फीमेल होती नहीं है, अब क्या करें। हाँ, ये एक बड़ा रीज़न आ रहा है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, ओके यार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या लेके आए हैं आप? ये वॉयलेट है, डबल फैक्टर ब्लैक मास्केट है, फिशर है, येलो फिशर है। वॉयलेट के रेट बोल रहे हैं? वाइट पिस्टन है ये फिशर के जी, फिशर की बात करो। वायलेट जो है वो इसमें दो पट्टे हैं, एक मेल है और एक वाइट, वाइट कलर में जो है वो वायलेट है। प्राइस क्या बोले? वो पीस 1-3 हज़ार रुपये का है। और फिशर के रेट क्या बोले? फिशर के रेट जो है वो कॉमन जो फिशर है वो 700 रुपये का पेयर है कॉमन जी। ये फर्स्ट ब्रीड के हैं, मतलब अभी ये हैं 7-6 महीने। हाँ, ये तकरीबन ऐसे है कि आधे साल के हैं। और बाकी ब्लैक मूव है, ब्लू पिस्टन है, ब्लू पसनाट है, इसमें मुख्तलिफ रेट के बर्ड हैं अलग अलग। कुछ ये के दो मेरे पास पट्टे हैं वायलेट के, बाकी ये के इसमें ब्लैक मार्केट का ही पट्टा है, इसमें 700 रुपए के पीस से लेके जो है वो 2,000-2,500-3,000 तक का भी पीस है इसमें। दोस्त क्या लेके आए हैं आज? ये मिक्स बजरी रेड आइज, इसमें अंडर साइज भी है, क्रिस्टेड भी है, और ये सारे क्रिस्टेड हैं। अच्छा, मिक्स है इसमें टफ क्रीड और क्रिस्टेड है। अच्छा, इनकी एज कितनी है? ये पूरे 7 साल के रेडी हैं ब्रीड के लिए या ब्रीड कर चुके? इनमें से कुछ दाने होंगे जो ब्रीड कर चुके हैं, बाकी जो है सारे तैयार करे थे, तैयार है सारे। और ये सेम वही है क्रिस्टेड है, रेड आइस वाइट में और वो येलो में। इनमें से भी कुछ पेयर जो है कुछ दाने समझ लें ब्रीड कर चुके हैं। ये जो है इसकी फीमेल है, ये सारे के सारे बच्चे तकरीबन सबसे पुरानी फीमेल है, सारे बच्चे इसी के ही हैं। अच्छा, एक ही पेयर से जो है आपने ज्यादा पेयर इसकी सारी। अच्छा, रेट क्या बोल रहे हैं? देखिए, रेट तो इसमें डिफरेंट है, अगर ये जो बड़ा इसमें तो कोई अच्छा दाना लोगे तो वो तकरीबन 2500 रुपए पेयर के हिसाब से, साइज के हिसाब से बात कर रहे हैं। साइज के हिसाब से जो अच्छा दाना अच्छा साइज होगा अच्छा क्रिस्ट होगा साइज वो जी वो 2500 रुपए के हिसाब से, बाकी जो लोग हल्का दाना पसंद करेंगे उसके रेट नीचे आ जाते हैं, तकरीबन 1000-1500 रुपए तक की रेट इसके आ जाएंगे। और इसमें भी सेम वही चीज होगी, जिसका साइज और क्रिस्ट इसका अच्छा होगा, जो टफ फिट में आ रहा होगा और जो कॉमन में आ रहा होगा उसके रेट फिर अलग है। हल्के बारी का फर्क है, कुछ ज़्यादा खास क्रिस्ट है, कोई लाइट क्रिस्ट है, तो ज़्यादा जो खास है उनके रेट 2500 रुपये से स्टार्ट किए मैंने, मार्केट में तकरीबन 3500 के रेट चल रहे हैं इसके, तो मैं कम से कम से 2500 में मैंने स्टार्ट किए हैं, और जितने हल्का दाना होगा हल्का टफ्ट होगा तो उसके कम रेट होंगे। ठीक है, और ये भी इन्हीं की ब्रेड लाइन के साथ हैं, मगर इनमें क्रिस्ट नहीं है, सादे हैं तो सादे फिर अलग रखे हुए हैं। इनकी क्या प्राइस है? इनके प्राइस इतने के 800-1000 रुपये से, इसका साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से जिसमें जितना जिसम साइज का जितना है, तो वो एक आध दाना फेलो का भी इसमें जी आइए, कुछ दाने फेलो के 1-2-3 फेलो के क्या रेट बोल रहे हैं आप? फेलो भी मैंने 600 रुपए के हिसाब से दिए, पट्टे दे पट्टे नहीं यंग दे दिए, सस्ते दे दिए। वजह भाई शौकीन को देने, जाल वाले को देने से अच्छा है किसी शौकीन को देने, गुड पॉइंट, जाल वाले से बेहतर है किसी ऐसे बंदे को दे दो या शौक हो या फिर ऐसा बंदा हो जो
नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में शौक तो रखते हैं लेकिन थोड़ी उनकी गुंजाइश कम होती है, तो बेहतर होता है ऐसे लोगों को कम प्राइस में दे दिया जाए। ओके यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। क्या लाए मैं भाई? पेयर लेके आया था बजरी के, और ये थे येलो स्प्लिट और वाइट स्प्लिट, ये रह गए, बाकी ऑस्ट्रेलियन तकरीबन बेच दिए, और कुछ ऑरेंज के पेयर हैं। और से क्या प्राइस बोले? वाइट वाइट के फाइनल 2000 और 1500 रुपये येलो के। येलो पे हाँ ठीक है। अच्छा बजरी तो चले बस, ये तीन मेल बचे हैं। और ये ब्लैक चेक क्या क्या रखा हुआ इसमें भाई? इसमें क्रिस्टेड का एक पेयर है, ऑरेंज ब्रिस्टेड क्रिस्टेड का एक पेयर है, और उसके अलावा एक स्पेनिश का मेल है, एक डबल ऑरेंज का मेल है, और इसके अलावा दो ब्लैक ब्रिस्टेड के पेयर हैं। क्या प्राइस क्या चल रहा है इसके? प्राइस आज थोड़ा कम है, ये कि लास्ट संडे बहुत अच्छे रेट थे, आज ये कि पब्लिक है नहीं क्योंकि बकरीद करीब आ रही है, तो इसकी वजह से लोगों का रुझान उधर ज़्यादा बढ़ गया है, और आज मार्केट है ही नहीं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, लोगों का रश जो है वो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा आज, लोग भी कम है, लोग अब गाय बकरे की तरफ चले गए ज़्यादा। ठीक बोल रहे हैं आप, और रेट भी जो है वो मार्केट में ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती है, बिल्कुल जाल वाले बस जो कर रहे हैं परचेजिंग वो जाल वाली कर रहे हैं, लोकल आवाम जो है वो मार्केट परचेजिंग पर काम कम हो रहा है, बस ये है कि जाल वाले बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम प्राइस में कर रहे हैं, रेट भी कम कर रहे हैं। ठीक है शेयर, ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छी दोस्त जो है आपके पास पूरे मार्केट में बहुत कम नज़र आ रही है जी, क्या रेट बोल रहे हैं आप? लेकिन 1200 रुपये एक पैर के, 1200 रुपये एक पैर के महंगी कर दी आपने। मैंने ये कहा कि मार्केट में कम नज़र आ रही है, आपने महंगी कर दी, इसी वजह से महंगी कर दी हमने। वैसे नॉर्मली 800 रुपये या 900 रुपये क्या प्राइस चल रहा है? तकरीबन 800-900 रुपये जाल का रेट, 800-900 रुपये जाल का प्राइस है। आप 1200 रुपये बोल रहे हैं? जी हाँ 1200। ठीक है, मार्केट में ओवरऑल वैसे वाकई में मार्केट में डब जो है वो बहुत ही कम लोगों के पास हैं, कोई गुंजाइश क्या हो जाएगी? फाइनल तक 1000 रुपये हो जाएंगे, 1000 रुपये पेयर के हिसाब से आप देंगे। और कॉकटेल के क्या रेट बोल रहे हैं? पट्टे बड़ा पेयर है, इसके कमर के बाल जो है वो थोड़ा बहुत झाड़ी में, झाड़ी में ठीक है। दोस्त सिल्वर जामा के क्या रेट बोल रहे हैं? 1600 रुपये। और कॉकटेल? कॉकटेल 3200 रुपये पल। लोडिनो के क्या रेट बोल रहे हैं आप? 2500 रुपये। और ये आपके पास है क्रीम कॉकटेल? कौन कॉकटेल है? ग्रीन का है, क्रीम कॉकटेल। क्रीम हाँ, क्या रेट बोल रहे हैं इसके? 3500 रुपये। ओके यार, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। दोस्त ये कौन से हैं? ये अमेजोन येलो क्राउन है भाई। इसकी एज और प्राइस? ये इसकी एज ये अभी 1 साल का हुआ है, और इसके प्राइस 1,35,000 रुपये।
और इसके साथ इसके बराबर में जो बैठा हुआ है ये भी अमेजोन है, ये मेरी अमेजोन कहलाता है, ये थोड़ा बड़े साइज में होता है, ये भी अभी एक साल का हुआ है और टॉकिंग पावर में भी थोड़ा बहुत आ चुका है, अल्फाज भी देना शुरू कर दिए हैं। इसके रेट हैं 85,000 रुपये। काकाटू, काकाटू में ये टैट्रॉन है, ये 1.5 साल का है, ये भी इसने भी बोलना स्टार्ट कर दिया है और फुल टेम पीस है ये, इसको जिस तरह चाहे प्यार कर लें, हाथों में बिठा लें, उंगली मुँह में ले लें। इसके प्राइस 1,40,000 रुपये। ग्रे पैलेट का ये पट्टा है भाई 5 महीने का, इसके प्राइस हैं 45,000 रुपये। पकड़ आया ये? नहीं अभी ये नहीं आया, हैंड टेम है, अभी 5 महीने का हुआ भाई ये। इसके अलावा ये टैटॉन है, ये भी इसमें ये फर्स्ट पे जो बैठा हुआ है ये नर है और सेकंड पे जो बैठा हुआ है वो मादी है। ब्रीडिंग एज पे है ये? ये ब्रीडिंग एज पे तकरीबन, ये समझ लें नेक्स्ट ईयर में ये आएंगे तो इंशाल्लाह ब्रीडिंग ईयर बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसको। और ये मकाओ, ग्रीन मिल मकाओ, इसके ये तकरीबन 2.5 साल का है, ये 2,40,000 रुपये का। ये अलेक्जेंडर ग्रे छोटा है? ये ग्रे, ग्रे में टिम्मी कहलाता है भाई ये, ये अलग नस्ल होती है, ग्रे में टिम्मी होता है, सबसे छोटे साइज की नस्ल है ग्रे के अंदर। इसकी भी टॉकिंग पावर अच्छी होती है, टॉकिंग पावर तो सेम होती है बस साइज़ में फ़र्क होता है, साइज़ में फ़र्क होता है, वैसे टॉकिंग पावर दोनों की सेम है, आवाज़ भी इसकी बहुत अच्छी होती है, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो इसको पसंद करते हैं। असल में साइज़ की वजह, साइज़ की वजह से होता है वो बकार की दुम, कलरिंग से थोड़ा डार्क होता है, कलर में बहुत ज़्यादा डार्क है, दुम वगैरह वाइट होता है, वाइट हेड है और दुम भी थोड़ी इसकी ब्लैकिश पर होती है, ब्लैकिश होती है वो, रेड दुम उसकी, ये इसकी दुम है नहीं अभी जी, काफ़ी फ़र्क होता है इसमें, कलर में फ़र्क होता है, कलर में खूबसूरती थोड़ी कम है इसकी जी जी। और उसके पीछे से ये 35,000 रुपये का अलेक्जेंडर भी आपकी है जी, ये तो बड़े हैं जी, ये बड़ा है, ये पहाड़ी बोलता है, हाथ पे बैठ के बोल रहा है। इसका प्राइस है ये भाई 25,000 रुपये का। दोस्त ब्लू का पेयर है? ब्लू का पेयर 25,000 रुपये का। एज कितनी है? पट्टे हैं ये तकरीबन 3 महीने के। ओके, और ये रिंगनेक अलेक्जेंडर ब्रीडर मेल उसने रखवाए हुए 40,000 रुपये पेयर के। ये ब्रीडर है ना? नहीं, रेडी टू ब्रीड है, फर्स्ट ब्रीड करेंगे। मतलब रेडी है, मतलब टाइम तो नहीं है ये? नहीं टाइम नहीं, ये पहाड़ी ऊपर, ये टेम है, ये ऊपर बैठा हुआ पिंजरे के, ये टेम है। इनकी क्या प्राइस है? 16,000 रुपये। लुटीनों क्या रेट बोल रहे हो? लुटीनों की 2500। अच्छा, और ये ब्लू? ब्लू की 3000। पहलो पेयर है पूरा? पहलो क्या रेट बोले? 1500 रुपये। अंडर साइज है? चलो बड़े भी काउंट करवा दूं। बड़े इधर ही कितने इनके? देखिए आपने वीडियो आज की किस तरह की मार्केट में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त परचेजिंग हो रही थी वो बजरी, इस तक बहुत ज़्यादा परचेज़ हुआ, पट्टा बड़ा दोनों पट्टे का ज़्यादा ऑर्डर था, बड़े कम था, उसके अलावा फिशर और कॉकटेल में क्रीम कॉकटेल ज़्यादा और दूसरे कॉकटेल की क्वान्टिटी भी थी लेकिन कम। फ्रेंचेस एक हद तक थी, फ्रेंचेस भी जाल वाले परचेज कर रहे थे लेकिन रेट जो है वो फ्रेंचेस के जाल पर वो रेट नहीं थे जो ओपन मार्केट में जो फ्रेंचेस के रेट चल रहे हैं। फ्रेंचेज जो है वो सबसे ज़्यादा जो लोकल मार्केट में हो रही है सेल परचेज़ वो फ्रेंचेज हो रही हैं, उसके अलावा लव बर्ड्स के रेट बहुत पूरे होते जा रहे हैं और मज़ीद से मज़ीद पूरे होते जा रहे हैं। फिशर लोटिनो और कॉकटेल बजरी डव एक लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि डव जो है वो ना मार्केट में है डायमंड डव, और परचेज चार वाले करते हैं लेकिन मार्केट की रिक्वायर्ड कितनी होती है उस हिसाब से, क्योंकि मार्केट में डव बहुत कम नज़र आती है। आज जावा जो है वो डव जाल वाले नहीं खरीदी, जावा बहुत कम, एक आध जाल वाले ने खरीदी हो तो खरीदी हो, वरना जाल वालों ने जावा नहीं खरीदी और लोकल मार्केट में भी जावा के रेट बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे आ गए। मार्केट में जो चीज़ की सबसे ज़्यादा जो परचेसिंग सेलिंग जो हुई वो एक जाल वालों को, तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ कॉकटेल था, फिशर थे लेकिन रेट बहुत अच्छे नहीं थे, सिर्फ कॉकटेल के रेट बेहतर थे, बकाया सबके रेट जो है वो कम प्राइस में थे। ओपन मार्केट में जो ज़्यादातर वो चला लोग जो है वो गुरुओं के ऊपर थोड़ा सा फोकस रहा,
एग्जीबिशन के ऊपर थोड़ा रहा और म्यूटेशन जितनी बजरी की हैं उसके ऊपर थोड़ा सा लोग काम कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा रुझान है, लबर्ड से लोग थोड़े से पीछे हो गए हैं फिल वक्त। अभी जैसी ब्रीडिंग स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा, चेंजिंग आएगी काम के अंदर। अभी जो है फिल वक्त जो है वो मार्केट के अंदर फ्रेंचिस के ऊपर और बजरीज के अंदर जो है म्यूटेशन जितनी भी हैं और गोरोमो के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, एग्जीबिशन के ऊपर क्रिस्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लोग अब जो है, तो यही चीज़ें ज़्यादातर सेल हुई हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ दो हिस्सों में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।